अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा हमेशा अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। शारजा की एक खूबसूरत छोटी सी मस्जिद है, पुरानी तर्ज़ तामीर 1985 की ये मस्जिद तामीर है। शारजा एयरपोर्ट की तरफ जाते हुए रास्ते में राइट साइड पर ये मस्जिद आती है। इन 15-20-30 सालों में समझ लें हज़ारों दफ़ा ये मस्जिद मैं देख चुका हूँ और 2-3 दफ़ा नमाज़ पढ़ने की भी तौफीक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने अता की। आज भी ये खूबसूरत मस्जिद आप और हम मिलके देखेंगे, नमाज़े असर अदा करते हैं और इंशाल्लाह ये मस्जिद देखेंगे। 38 साल तकरीबन, ये 38 ईयर ओल्ड दिस मॉस्क एंड ब्यूटीफुल, पुरानी तर्ज तमीर। 3 गुम्बद हैं, एक बड़ा गुम्बद है, 2 छोटे गुम्बद हैं इस मस्जिद के, 1 मीनार है और इर्द गिर्द जो है ना बड़ा खूबसूरत एरिया है। देखकर आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा और आपका दिल करेगा कि इस मस्जिद में भी एक नमाज ज़रूर अदा करें। लेट्स गो। जी तो दोस्तों, हमारे सफ़र का आगाज़ हुआ चाहता है। अल्लाह का नाम लेकर घर से निकले हैं, अल्लाह ताला खैर खरीत से हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाए। छोटी सी मस्जिद है ये और काफ़ी दिनों से जब मैं शारजा एयरपोर्ट की तरफ गुजरता था तो रास्ते में राइट साइड पर मुझे ये मस्जिद नज़र आती थी। जी तो दोस्तों, हम अपनी मंजिल के करीब, ये जो राइट साइड पर आपको खजूरें नज़र आ रही हैं, इन्हीं खजूरों के बिल्कुल पास ही कोने पे हमारी मस्जिद। ये माशाल्लाह देखें, आपको नज़र आ गई है ये मस्जिद खूबसूरत। इसकी फ्रंट साइड पे पार्किंग में चलते हैं। छोटी सी खूबसूरत मस्जिद है, पुरानी तर्ज तामीर, माशाल्लाह। ये इसका पार्किंग एरिया, नमाज़े असर आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ अदा करेंगे। जी दोस्तों, इस मस्जिद के बाहर आ गया हूँ, इसके सहन में। शायद 5 या 6 मिनट के बाद इंशाल्लाह ये मस्जिद ओपन होगी। पहले ये मस्जिद मैं बाहर से आपको दिखाता हूँ, फिर इंशाल्लाह अंदर चल के नमाज़े असर भी अदा करेंगे और ये मस्जिद भी आप और हम मिल के देखेंगे इंशाल्लाह। ये देखें बाहर, ये खूबसूरत जगह बनाई गई है वज़ू करने के लिए मस्जिद के सहन में। ये दोस्तों, मस्जिद के सहन में फ्रंट साइड पर दरख्त लगाए गए हैं, माशाल्लाह फल भी देते हैं, छांव भी देते हैं। सुबहानअल्लाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू। ये दोस्तों, ठंडे पानी का इंतजाम किया गया है बाहर सहन में, जिस ब्रिज से हम आए थे आते हुए। और ये मस्जिद की बैक साइड मेहराब का एरिया, जहां पर छोटा सा खजूरों का बाग है।
ये देखें दोस्तों, मस्जिद के सहन में खजूरों के दरख्त लगाए गए हैं। मस्जिद के सहन में खड़े होकर अगर आप ये देखेंगे मेरे साथ, तो ये खूबसूरत मंज़र आपको इस तरह नज़र आएगा। वो जो रोड आपको सामने नज़र आ रहा है, वो शारजा एयरपोर्ट की तरफ जा रहा है। मस्जिद जैद इब्न अल खताब, 1985 की ये मस्जिद तामीर है। तकरीबन 38 साल हो चुके हैं, 38 साल। अंदर चलें। मस्जिद में दोस्तों दाखिल होते ही पहले ये छोटा हॉल है, ये देखें। दो डोर है मस्जिद में अंदर जाने के लिए मेन हॉल में। ये दोस्तों जब आप मस्जिद में दाखिल होते हैं तो आपका इस्तकबाल ठंडे पानी के साथ किया जाता है, ये देखें माशाल्लाह। ये देखें अल्लाह के मेहमानों की मेहमान नवाजी के लिए यहाँ पर ताज़ा खजूरें रखी गई हैं। अंदर चलते हैं जी। दोस्तों मेन हॉल के अंदर आ गया हूँ। नमाज़े असर की अदायगी से पहले दिल चाहता है कि बार बार ये खूबसूरत हॉल मैं जी भर के देखूँ और आपको भी ये खूबसूरत हॉल दिखाऊँ और उसके बाद नमाज अदा करें। तो पहले ये खूबसूरत हॉल देखते हैं। सुबहानअल्लाह, सुबहानअल्लाह, माशाअल्लाह। चार सुतून, इर्द गिर्द खिड़कियाँ। 1985 की ये मस्जिद तामीर है। तकरीबन 38 साल हो चुके हैं। इसके दरमियान में तीन फानूस नज़र आ रहे हैं आपको। ये दोस्तों इस मस्जिद का साइड व्यू। सुबहानअल्लाह, माशाअल्लाह। ये बड़ा मेन गुंबद, इसके अंदर ये फानूस आपके सामने। सुतूनों को मार्बल के साथ कवर किया गया है और ये देखें कुरान करीम रखने के लिए सुतूनों के साथ जगह बनाई गई है, माशाल्लाह। ये दोस्तों इस मस्जिद का मेहराब है, उसके अंदर छोटा सा मिंबर बनाया गया है। 1985 में देखें मेहराब में इस तरह खिड़की रखी जाती थी, क्योंकि उस वक्त मेरा ख्याल है विंडो एसी हुआ करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों कि आज खूबसूरत मस्जिद में नमाज़े असर अदा करने का मौका नसीब हुआ। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा फरमाए। अल्लाह ताला आपको हमेशा हमेशा अपनी रहमत के साए में रखे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया। जल्द लेके आएँगे एक और खूबसूरत वीडियो। तब तक अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Thank you.